सेवा कर दे लाडो की नया थाली भी नहीं उसने भी ग्लास में कट लग रखे उसमें को तो टिकट लगता है। हम भी तो टिकट करके आए हैं। बहुत क्यूट है, यहाँ के डॉग्स इतने प्यारे हैं ना, बट यहाँ के इंसान प्यारे हैं। हेलो एवरीवन, सो आज हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब नानक जी, जो यहाँ से 180 किलोमीटर दूर है, तो आपको मिलते हैं और दर्शन कराते हैं। तो अभी हम गुरुद्वारा साहिब आए हैं लंगर छकने के लिए और चाय पीने के लिए। ये गुरुद्वारा साहिब जो है साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के याद में बनाया गया है। पिंड अतेडाक वनाली तहसील देग लोर जिला नांदेड़। अगर मैं कुछ भी गलत बोल रही हूँ तो उसके लिए सॉरी। कितना सुंदर गुरुद्वारा साहिब है यार। ये तो कह रही थी जहाज वाला गुरुद्वारा साहिब, जहाज वाला। यहाँ पर भी नाने मिल गए मुझे, डग्स एंड डॉगो। पता नहीं इसका नाम क्या, पर बहुत मोटू है। शुक्र है महाराष्ट्र में मुझे एक मोटू डॉग तो मिला, अदरवाइज जहाँ पर भी जा रही थी वहाँ पर मुझे पतले पतले डॉग्स मिल रहे थे। और बहुत क्यूट लग रहे हैं मोटू का, और ओवर वेट लग रहे हैं यार, कम नहीं कहते। सतनाम वाहे सतनाम वाहे वाहे गुरु जी की फतेह। बहुत मुश्किल हो संतानियां इन्हों मुश्किलों को देखते हुए संतान महापुरुषों वालों ये पड़ाव बनाए गए। हूँ इतने गुरु महाराज के लंगर 24 घंटे चलते रहते हैं। सचखंड श्री हजूर साहब को आने वाली संतान इतने रुक के प्रशादा पानी छक के गुरुद्वारा नानक जी का साहिब के दर्शन नहीं जाते हैं। लोग सुखेले नानक हर प्रभु आपे मेरी बोलन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। ये मोटू सा डॉगी मिला यार, यहाँ पर क्यूट है। सेवा करते हो लाडो कि नहीं आया? ओ नहीं नहीं आया, चलो बाय बाय कके। तो हम कर्नाटका के जरवाड़ा पहुंचे हैं, जहां पर गुरुद्वारा साहिब है और ये 11.6 किलोमीटर दूर है विदेश से। और यहां पर बहुत रोला पड़ रहा है, तो आपको सीधा गुरुद्वारा साहिब ले। अभी हम माता पाकौर जी के गुरुद्वारा साहिब पहुंचे हैं, जो एक टाउन में है जलवाड़ा, और यहाँ से 11.6 किलोमीटर दूर है विदर सिटी, जो कर्नाटक में पड़ती है। और मम्मी पापा सनी सब चाय पी रहे हैं और मुझे पानी पी रहे हैं। यहाँ पे पता है बहुत धूप है और बहुत सोना गुरुद्वारा साहिब बना है यार, बहुत सोना। यहाँ पर कन्नड़ तेलुगू मराठी उर्दू और हिंदी भी बोली जाती है, और यहाँ की मिट्टी जो है थोड़ी लाल है। यहाँ के पानी का टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, थोड़ा बड़ा बड़ा
लो आ गए नहीं खुले नहीं तो आई थिंक ये कन्नड़ में लिखे हुए हैं ये हिंदी में ये इंग्लिश और पंजाबी में वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मुक्तसर दे जंग दे बाद धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल माता भाग कौर जी नंदेड़ विच आए सन। फिर गुरु जी दे ज्योति जोत समाउन तो बाद ओ नानक जी रा आए सन अते अपना बाकी दा जीवन इस स्थान दे तप करके बिताया। हम पहुंच गए हैं नानक जी का गुरुद्वारा साहिब। तो ये विदे सिटी में पड़ता है गुरुद्वारा साहिब और यहाँ पर जो नानक देव जी आए थे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जगत का उतार करन ले गुरु नानक देव जी ने चार उदासियां कीतियां। दूसरी उदासी दे दौरान गुरु जी महाराष्ट्र तो हुंदे हुए इस स्थान ते पहुंचे। बिदर दी जनता दर्शन करन वास्ते आईयां ते गुरु जी दे मोरे विनती कीती कि इस धरती दा पानी बहुत खारा है, सानू मिठे पानी दा प्रवान बख्शो। फिर गुरु जी ने सारिआं दी विनती प्रवान करदिआं सत्कार दे उच्चारण कीता अते अपने सज्जा पैर पहाड़ी नाल छोया, मिठा पानी चल पिया। सारा बिदर शहर पानी पीण वास्ते इत्थे तो ही लैंदा है। सो दरबार साहिब के अंदर फोन अलाउड नहीं है, तो अंदर का मैं नहीं बना पाऊंगी, बाहर का बना देती हूँ। खुशी राजमा चावल खा के ठीक है, थोड़ा और पाओ मेरे खाई जा रही है। देखिए दीदी को खाली भी न्यूज में भी छेड़ता हूँ क्लास में।
जगत का उद्धार करने वास्ते बाबा जी ने चार उदासियां कीतियां जिदे विच ओ अरब कंट्रीज और श्रीलंका भी गए और उन्हां दा सिर्फ एक ही उपदेश सी कि नाम जपो नाम नाल ही तुहाडे सारे दुख दर्द दूर होंगे और गर्भ जून तो तुहानूं मुक्ति मिलेगी। यहाँ का पानी बहुत ज्यादा खारा था। हाँ जी बहुत ज्यादा खारा था तो यहाँ की संगतों ने बाबा जी को कहा कि तुसी कुछ उधार करो तो उन्होंने अपना पैर मार के पानी कटिया सी तो बाद इतने का पानी जो है बहुत ज्यादा मिट्टी हो गया। इतने के डॉग्स बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। सो सनी सबकी फोटोज खींच रहे हैं और रिश्वत मांग रहे हैं कि कुछ खिलाओगे तभी मैं फोटो खींचूंगा। बुआपति जी जोड़ी नंबर में जोड़ी नंबर में बहुत बहुत शुक्रिया मेयर कर रहे हट। कर्नाटका के ढाबे पे रुके हैं क्योंकि हमारे ड्राइवर ने कुछ चाय पी ली तो हमने सोचा चल इतनी धूप में हम भी निकल जाते हैं बाहर क्योंकि आगे सफर बहुत लंबा है इसलिए थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। यहाँ का छोटा सा ढाबा क्यूट सा ढाबा यहाँ के घर बहुत छोटे छोटे हैं बट बहुत प्यारे हैं और कर्नाटका के लोग जो गुरुद्वारा साहब की सेवा कर रहे थे ड्यूटी पे थे वो भी बहुत प्यारे थे उनकी उनकी फेस पे स्माइल थी है ना। क्या पियोगे आप? मैंने लैंग्वेज आती है कुछ सिखाओगे मुझे? लाइक मैंने कहा हाँ कि मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है कन्नड़ में क्या कहते हैं? क्या निम्न और अगर मेरा कुछ नहीं नाम नहीं रहना था निम दसू रहना था तू अपने लैंग्वेज आज रहना थे तू हमी को निम दसू रहना था नवनीत कर थैंक यू। मराठी में धन्यवाद कहते हैं धन्यवाद पंजाबी में अब आप मुझे सिखाएंगे पंजाबी धन्यवाद क्या नाम है वैसे आपका? प्रेक्षिता। आपका? अनुष्का। औरत बहुत अच्छा गांव है ये गांव है औरत अच्छा तालुका तहसील तहसील औरत औरत ओके। आप कभी पंजाब आए हो? नहीं नांदेड़ आए। नांदेड़ आए हो वो तो महाराष्ट्र में है पंजाब में आना पंजाब आने को तो अब टिकट लगता है हम भी तो टिकट करके आए हैं और यहाँ के घर काफी छोटे छोटे नहीं है इधर आदमी भी छोटे छोटे दिल बड़े बड़े भाई जहाँ पे देखा स्माइल ही कर रहे हैं सारे ये कितनी क्यूट स्माइल्स है मस्त रहते हैं पंजाब में भी ऐसे ही है बहुत मस्त रहते हैं। कुछ नहीं मम्मी काशी काशी से कितने आओगे? बेटे बाहर के मौसम का लुत्फ उठाते हुए मम्मी भी बाहर का मौसम का लुत्फ उठाते हुए और यहाँ के सुंदर सुंदर वातावरण का लुत्फ वातावरण क्या ये क्या होगा अंकल जी बाय। अब हमारे पास सिर्फ 3 दिन रह गए और 20 तारीख में हमारे पास है जैसे 12 साल पहले रैली के लिए फिर हम वैसे भी लेकर आ गए यार बस जाना तो पड़ेगा ही वापस भी रहेंगे हम बाबा जी की कृपा से मौसम देखो सनसेट हो रहा है अभी 6:04 हुए और अभी हम पहुंचे हैं सत श्री अकाल आंटी जी और हम अपनी सराह तक पहुंच गए हैं ये देखिए सनी भाई को जल्दी है किसी चीज की और थोड़ी सी थकावट हो गई बट इतनी ही हुई और मेरा जुकाम भी ठीक हो गया यार ऑल थैंक्स टू इकू एंड पापा जी और उनसे मम्मी क्योंकि वही पीछे पड़े हुए थे कि दवाई खा ले अदरवाइज मैं कहाँ खाने वाली हूँ और सबको भूख लगी है सब बस पहुँच गए 4 दिन वाले लग गए सारे
थकावट होगी सारे अभी, सबको भूख लगी यार सच में। वहाँ पर हमने 1 बजे के अराउंड खाया था, अब 6 बजे है तो भूख तो ऑब्वियस लगेगी। और मैं पी नहीं सकती, चाय मैंने वहाँ पी ली थी वो भी क्योंकि वहाँ का पानी बहुत टेस्टी था यार, बहुत ज़्यादा टेस्टी पानी था। मैंने कहीं और पानी पिया था वो खारा सा था, पर नानक जी जो गुरुद्वारा साहिब पानी है वो इतना मीठा मीठा, बहुत मीठा पानी है वहाँ का। बस सब टूट पड़े हैं चाय पे, समोसा लवर अगर समोसा साथ में तो जो है वो मेरा ब्लॉग देखें, सनी सिंह ब्लॉग जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा ब्लॉग डाला है, बहुत फनी ब्लॉग है, इतना फनी मैं नहीं बना पाती, अगर यार मुझे लगता है मैं फनी नहीं हूँ। और इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं, होप आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय। सो ये मेरा यहाँ पर न्यू दोस्त बना है, बहुत क्यूट बेबी, आ जाओ आ जाओ, इसको रश बहुत पड़ी, आ जाओ आ जाओ नानी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठे गिल्ला तू उठे खा लो, छोटा जब बच्चा खा लो तुझे। जब भी इसको रस खाने होते हैं ना तो ये बाहर आके बैठ जाता है, और कई दिनों से मुझे दिख ही नहीं रहा था, तो फाइनली आज मुझे दिख गया और इसलिए उसको मैंने रस डाल दिए। इसका नाम मैंने वैसे कुछ सोचा नहीं है, बट आप मुझे बताइएगा इसको क्या नाम रखूँ, बहुत क्यूट है। यहाँ के डॉग्स इतने प्यारे हैं ना, बट यहाँ के इंसान प्यारे हो, कुछ छोड़ के यार, जो एनिमल से प्यार नहीं कर सकता वो दूसरों से कैसे प्यार करेगा, है ना। इंसान आप तभी हो अगर आप एनिमल से प्यार करते हो, अगर आप एनिमल को प्यार नहीं कर सकते तो आप इंसान कैसे करते। बाय टुगु, लव यू, बाय।